तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है ये जो हमारे पास लैपटॉप की 18650 लिथियम आयन सेल्स है, बहुत ही ज़्यादा है, तो हम जो है इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे कि जो हम इसको किस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं कि और इसको यूज़ में कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले तो लैपटॉप की जो पुरानी सेल्स हैं लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से जो है लेकर आने हैं, 100 से 60-70 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किस तरीके से बार्गेनिंग करते हो, आप 50 रुपये में भी ला सकते हो। तो जो एक सेल के अंदर जो है 4 सेल निकलते हैं, ठीक है, लैपटॉप बैटरी में से 4 सेल निकलते हैं। तो अगर आप मार्केट में लेने जाओ तो एक सेल 100 रुपये का मिलता है, तो इस हिसाब से 400 रुपये के सेल हो गए, जो कि आप 100 रुपये के अंदर अंदर 4 सेल लेके आ जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें से 2 सेल भी ख़राब हो जाते हैं तो जो है आपको 100 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, मोस्टली जो है 1 से 2 सेल ख़राब होते हैं, कई लैपटॉप सेल में जो है 6 सेल होते हैं। ठीक है, दो दो करके सीरीज़ में लगाया होता है, 2 पैलर होते हैं, फिर 2 पैलर होते हैं, फिर 2 पैलर होते हैं, तो तीनों का सीरीज़ बन जाता है। ठीक है, और आपको मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ कि इसको जो है चार्ज किस तरीके से आप कर सकते हो। 2 तरीके हैं आपको चार्ज करने के इसके। ठीक है, तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है ये 18 TP4056 जो है मॉड्यूल है, इससे जो है आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका है ये BMS, ठीक है, जो 12 वोल्ट का BMS है। तो आप ये 2 तरीकों से जो है इसको चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इस TP4056 से जो है आप 1 से 2 सेल चार्ज करोगे, तो यहाँ पर जो ऑटो कट ऑफ का फीचर है, ठीक है, और इसके अंदर ऑटो कट ऑफ का फीचर नहीं है, मतलब कि आप इसको जो है पहले तो जो 12 वोल्ट की बैटरी पैक बनाओगे, ठीक है, इससे जो है आप 1 से 2 सेल चार्ज कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम में, और इससे जो है तकरीबन आप सारे सेल चार्ज कर सकते हो, बट ये चार्ज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो है किसी बैटरी में वोल्टेज कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, तो जो है ये जो बैलेंस नहीं कर पाएगा। पहले जो है आपको ये सारे सेल खरीदते हो जब, तब इसको जो है पहले चार्ज कर लेना प्रॉपर वे से, एक एक सेल को चार्ज कर लेना इस TP4056 मॉड्यूल से, फिर जो है आप इसका बैटरी पैक बनाकर जो है आप इजीली एक साथ बहुत सारी बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है एक बात आपको और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेल है तकरीबन 2000 mAh का, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब मैंने जो इसका MH टेस्ट किया तो ये 1721 mAh का निकला, और ये इस सेल पर जो कोई MH नहीं लिखे थे, और जब मैंने चेक किया तो 839 mAh का निकला। ठीक है, तो ये जो मैंने किस तरीके से चेक किया मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो ये मेरे पास है एक बैटरी MH टेस्टर, ठीक है, तो इसका जो है मैं बाय लिंक दे दूंगा, और इसको जो है फुल डिटेल में मैंने इसकी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, अगर आपको देखनी है तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली फंडा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 5 वोल्ट इनपुट कराओगे तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बैटरी का कोई MH नहीं लेता है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर जो एक रजिस्टर लगा है जो कि जो इस बैटरी को हीट करके डिस्चार्ज करता है, और यहाँ पर जो हमारा सेल लग जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से ये करना है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है केबल इंसर्ट करनी है, मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो यहाँ पर चार्जर लगा दिया है, और यहाँ पर जो है सारे कनेक्शन हो चुके हैं। आपको सिंपली सा जो है कोई भी एक सेल लेना है, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सेल हैं, तो आप कोई भी एक सेल जो है इस तरीके से ले लो, और पोलैरिटी का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहे हैं 3.97। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कैमरे में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, ये वाले माइनस वाले बटन को क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ गया 12 पावर। ठीक है, तो आपको जो है इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो है 3 वोल्ट पर लेकर आना होगा। ठीक है, तो मैं जो है 3 वोल्ट तक का जो है सेट कर लेता हूँ, ये देख सकते हो 3 वोल्ट आ गया है। ठीक है, तो 3 वोल्ट आने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओके का बटन है, क्योंकि जो बेसिकली जो हमारा ये लो बैटरी इंडिकेशन जो है लिथियम आयन का 3 वोल्ट पर आ जाता है। ठीक है, तो 3 वोल्ट पर करने के बाद जो है हम यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करेंगे। ओके का बटन प्रेस करने के बाद जो है ये सर्किट ऑन हो गया है, यहाँ पर वोल्टेज शो करेंगे बैटरी के,
कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रहा है वो शो करेगा, और एएच शो करेगा कि कितने एएच जो है इसने डिस्चार्ज करके कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो है रजिस्टर हीट होने लगेगा तो थोड़ा ध्यान से आप करना। तो इस तरीके से जो है ये जो है वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो बारी बारी से जो कैलकुलेट कर रहा है एएच, एम्पेयर और वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी का कोई वोल्टेज इसके अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल हमने पावर दिया है तो वो उससे जो ये चल रहा है और जो है प्रॉपर वे से कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इतनी सारी बैटरीज का जो है कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि जो है लिखा कुछ और होता है बैटरी पे और चेक करने में पता चलता है कि एक्चुअल एमएच कितना है बैटरी का, ठीक है। आई होप आप सभी को थोड़ा सा समझ आया हो कि किस तरीके से जो है आप अपने पैसे बचा सकते हो, ठीक है। बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे जो है आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, पर आपको ये जो नॉलेज आपको कोई नहीं बताने वाला। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।